चिकन पक्की बिरयानी। चिकन पक्की बिरयानी बनाने की विधि। पहले ऐसे एक मलमल के कपड़े पर साबुत मसाले रखकर इसे बांध लें। मसालों में तेजपत्ता, चक्रफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, लौंग इत्यादि। एक गर्म पैन में थोड़ा तेल डालकर इस मसाले की पोटली को इसमें रख दें। अब इसमें प्याज पकाकर थोड़ा नमक भी डालें और अब एक चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण भी डालकर कुछ देर पकने के बाद अब चिकन बिरयानी मसाला, हरी मिर्च, पुदीना की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, एक कप दही और बस इसे अब अच्छे से मिलाकर इस पर ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। इधर दूसरे चूल्हे पर गर्म पानी वाले बर्तन में तेल, नमक और शाहजीरा डालें। अब इसमें पहले से ही भिगोए हुए चावल डालकर पकाएं। जब चावल आधा पक जाए इसे स्ट्रेनर में डालकर इसका सारा पानी निकाल लें। पक रहे चिकन में से आधा निकाल कर इसे एक बाउल में रख लें। अब पक रहे चिकन में चावल डालकर अच्छे से सेट कर लें। इस पर ऊपर से फ्राइड ऑनियंस, पुदीना, हरा धनिया, केसर का पानी और चिकन के पीसेस भी डालें। ऊपर से अब बाकी चावल, पुदीना, हरा धनिया, केसर का पानी और बचा हुआ चिकन का ग्रेवी भी डाल दें। इधर थोड़े आटे में पानी डालकर ऐसे अच्छे से इसे गूंद लें। इस गूंदे हुए आटे को ऐसे लंबा कर ढक्कन पर इसे बाहर से लपेट कर ढक्कन लगा दें। इसे अब उठाकर ओवन में रखें, जिसे हमने पहले से ही 375 डिग्री फारेनहाइट पर रखा है। करीब 25 मिनट बाद इसे ओवन से निकाल कर आटे को ऐसे चाकू से काट कर निकाल दें और ढक्कन निकाल कर प्लेट में सर्व करें।